हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्नो आरुष। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और बीच में कुछ ऐड आता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ा गुस्सा आता होगा। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसकी सहायता से आप वो ऐड को आने से रोक सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ख़ास होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आज का जो वीडियो है हम वो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन पर YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और क्लाइमेक्स सीन पर अचानक से कोई भी विज्ञापन आ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा ज़रूर आता होगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें गेम की, अगर आप गेम खेलते हैं और हर लेवल पे आपको कुछ सेकंड के लिए कुछ विज्ञापन ज़रूर देखने पड़ते हैं, तो आमतौर पर हर लोगों की यही परेशानी है। तो इस परेशानी को दूर कैसे किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए मैं आपको कुछ शानदार ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आपको अनचाहे विज्ञापनों से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ ऐप आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे उन्हें आपको ब्लैक मार्ट और नाइन ऐप जैसे स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो आइए जानते हैं इन ऐप्स के बारे में विस्तार से। दोस्तों सबसे पहला जो ऐप है वो है एड अवे। इस ऐप का इस्तेमाल आप अनचाहे विज्ञापन में रोक लगाने के लिए कर सकते हैं। यह ऐप सिंपल एंड ब्लॉकर ऐप है। ये कस्टमर और मॉडिफाई होस्ट फाइल को सपोर्ट करता है। होस्ट फाइल्स आपके एंड्रॉयड के इंटरनल स्टोरेज में सेव होती है। इस ऐप को प्ले स्टोर की बजाय आप अन्य प्लेटफॉर्म पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर एक्सेस पाने के लिए आपको डिवाइस को इसके साथ रूट लिंक करना होगा। ऐसे में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो जल्दी से बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम सेकंड ऐप की, जो कि है एड ब्लॉक प्लस। ये एक ऐसा ऐप है और इसकी ये खासियत है कि ये नॉन रूटेड और रूटेड दोनों ही डिवाइस पर काम करता है। ये ऐप आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में भी काम करता है। और दोस्तों हमारा जो थर्ड ऐप है वो है एड गार्ड ऐप। पीछे बताए गए ऐप की तरह ही ये ऐप काम करता है। इस ऐप को बिना रूट किए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र को इस ऐप में सिंपल इंटरफेस मिलेगा। इसके अलावा आप इस ऐप को आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप का फ्री वर्जन सिर्फ वेब ब्राउज़र पर ही उपलब्ध है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।